हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं स्वाति और आज हम देखने वाले हैं मोहनलाल सर के वनप्रस्थम मूवी का कुछ सीन है, उसका रिएक्शन देने वाली हूं। मैं ऐसे ही देख रही थी तो मुझे ये उनका जो कथकली वाला डांस है वो दिखा स्क्रीन पे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ही देखती हूँ वो सीन क्या है। पूरा मूवी बाद में देखेंगे, मूवी तो मैं और तेजस साथ में ही देखेंगे, पर अभी मैं ये जो सीन है कथकली डांस वाला वो अभी मैं आप लोगों के साथ देख रही हूँ। अकेले ये देखने का मेरा मूड ही नहीं हुआ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ही देख लूँ, तो चलो पहले देख लेते हैं। അങ്ങനെ വഴുക്കി വീഴുന്ന കഷായൊന്നും അച്ഛൻ കുടിക്കില്ല. അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പൈങ്കുനി ഉത്സവത്തിന് കളിക്കാൻ പോകല്ലേ, രാജാവ് നേരിട്ട് വന്ന് കളി കാണുന്ന ഉത്സവം. മൂന്ന് വരുന്ന മഹാരാജാവിനെ കാണാൻ വലിയ കിരീടമൊക്കെ വെച്ച് ചെങ്കോട് പിടിച്ച് നല്ല പളപളപ്പുള്ള ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് മഹാരാജാവിനെ കാണാൻ മൂന്ന് വരണോ? അതെന്താ മോക്ക മഹാരാജാവിനെ കാണണ്ടേ? മോള് മഹാരാജാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എപ്പൊ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Thank you.
ഇനി മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. സുഭദ്ര അമ്മ എഴുതിയ സുഭദ്ര അമ്മ ചിട്ടപ്പെടുത്തി അവസാനമായി എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം. 9 മാസം കഴിഞ്ഞ് മോളുടെ അരങ്ങേറ്റം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കഥ വേണം കളിക്കാം. എന്റെ മോളായിരിക്കും. क्या डांस था बॉस, पूरा हिल गया, ऐसे ठंडी लगने लगी मुझे, सब ये बाल खड़े हो गए. बहुत बढ़िया डांस था, और स्पेशली उनका जो फेस का ये आईज वाला इधर आईब्रो का एक्सप्रेशन था ना बापू, बहुत हैवी. पूरी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा किस कोई भी एक्टर का इतना बड़ा एक्सप्रेशन कभी नहीं देखा मैंने. बहुत बड़ा एक नंबर, मीन्स पूरा माइंड हिला देने वाला. मन तो कर रहा था बस देखते ही जाओ देखते ही जाओ. और उनका जो जैसे वो लिरिक्स आ रही थी वैसे ही उनका हाथ ऐसे ऐसे हो रहा था. और पूरा वो बीच में तो एक आता है ना, इस साइड से आवाज आती है, इस साइड से आवाज आती है तो उस साइड, इस साइड से आती है तो इस साइड, और जब दोनों आती है तो बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन था बॉस. क्या कथकली डांस किया है, मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद आया. और अभी तो मैं पूरा मूवी देखने वाली हूँ, अकेली तो नहीं देखूंगी, तेजस को साथ में लेके ही देखूंगी, पर शायद आज या कल में तो देख ही लूंगी. अभी मुझे तो देखना ही है. बहुत बढ़िया है यार, बहुत मजा आ गया देखने का. और उन्होंने जो ड्रेस पहना है वो भी बहुत बढ़िया है. और स्टार्टिंग में जब ऐसे करते हैं ना थोड़ा चुनर्स, बहुत बढ़िया था. ये पूरा मूवी का स्टोरी क्या है वो तो कुछ पता ही नहीं है, पर ये जो डांस था माइंड ब्लोइंग. इतना पूरा हैंगओवर हो गया तो बहुत मजा आया गाइस. स्पेशल अभी जो मोहनलाल सर के जो फाइटिंग वाले सीन होते हैं वो भी बहुत बढ़िया होते हैं, और ये डांस वाला तो दिल को छू गया है. बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, मीन्स सबसे सबसे मीन्स सबसे बढ़िया. आप लोगों को भी मजा आया ही होगा क्योंकि ये डांस था ही वैसा. सब लोग ऐसे फील ले लेके डांस को देखना. तो चलो मूवी के बारे में तो हम पूरा मूवी देखने के बाद उसका रिव्यू करेंगे, अभी आज के लिए बस इतना ही. और एक बात है, बहुत मजा आया मोहनलाल सर, आई लव यू लव यू लव यू सो मच. आप सोच ही नहीं सकते ये यहाँ पे छू गया. अभी मेरा मन कर रहा है बस उनके बारे में बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, पर अभी जब मूवी देखेंगे उसका रिव्यू में ही बोलेंगे सब. अभी आज के लिए बस इतना ही. अगर मेरा ये रिएक्शन पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट कीजिए. आप और कोई मूवी का रिव्यू देना या फिर मोहनलाल सर जी की और कोई सीन है वैसे जो हमने आज तक नहीं देखे, आप लोगों ने देखे, तो वो भी हमें कमेंट में सजेस्ट कीजिए, वो भी हम देखना चाहेंगे. थैंक यू.